भारत की नदियां, भारत की नदियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी नदी कहां से निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकली हुई है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, इसके बाद जो है बंगाल से लिए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश, फिर इसके बाद बंगाल खाड़ी में चली जाती है गंगा नदी। इसके बाद हिमालय से आपको नदी निकलने वाली है वो है मानसरोवर झील, तिब्बत में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहाँ से दो नदी निकलती है, एक तो सिंधु नदी जो अरब सागर में जाती है, सिंधु नदी अरब सागर में, मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है और यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। जब ये तिब्बत में रहती है तो इसे सांपों के नाम से जाना जाता है, सांपों के नाम से जाना जाता है। और यही नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जाना जाता है। ये नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसे यमुना के नाम से जाना जाता है और ये जब दोनों मिल जाते हैं इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और गंगा नदी और मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां हिमालय नदियां हैं, ये नदियां जो है हिमालय नदियां हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो यहां से निकलती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक यहां से नर्मदा और महानदी निकलती है, नर्मदा और महानदी, महानदी निकलती है। महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है जो जहां पे डैम बनाया गया है हीराकुंड बांध, महानदी बनाया गया है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात खम्बाती खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक जिले से यहां से गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें से सरस्वती की सारी नदियां जो कुछ है, इसमें झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलज और ब्यास, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। सिंध की सहायक नदियां, गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे घाघरा है, यमुना है, सोन है, गंडक है, ये सब जो है रामगंगा है, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा गंगा के पांच सहायक नदियों के नाम बताइए या तो सिंध को सिंध की सहायक नदियों के नाम बताइए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है सीबी बिकल, सीबी बिकल यूट्यूब,
यूट्यूब का चैनल नाम सीवी बीकर, यहाँ पे आप जा सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक